नमस्ते। कभी आपने सोचा है कि कुछ जो जो पेड़ होते हैं, कुछ जो पौधे होते हैं, उनके जो पुष्प उसमें आते हैं, जो फूल आते हैं, वो इस एक स्पेशल सीजन में आते हैं। जब आप बाकी के जो प्रकृति के जो जो पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं, उनमें फूल आते हुए देखें, तो कुछ पौधों में वहाँ उस समय फूल नहीं आते और कुछ पौधों में फूल उस समय आते हैं जब कभी भी नहीं आते, जैसे कि आप इस पेड़ में देख रहे हैं। अब मेरा सोचना ये है कि प्रकृति या नेचर या उस ईश्वर को आप याद कर सकते हैं, वो आपको आपका टाइम आने पर बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने फूल खिलाएं। अब ये फूल खिलाने से मतलब क्या हुआ? फूल खिलाने से मतलब ये हुआ कि आपकी जो भी इच्छाएं जो आप पूरी करना चाहते हैं, आप यदि प्रॉस्पर होना चाहते हैं, आप यदि कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो सबके पास में समय होता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो समय कब आता है। तो यकीन मानिए, ये जो एक मूवी आई थी, अपना टाइम आएगा तो आपका टाइम ज़रूर आएगा, लेकिन महत्वपूर्ण यह है, इम्पॉर्टेंट यह है कि आप उस निरंतरता से, उस कंटिन्यूटी से अपने काम को करते हैं या नहीं करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, तो उनके जितनी भी इन्वेंशंस हुई वो उस समय पॉपुलर हुई जिस समय कि वो ही इज़ अबाउ 60 ईयर्स ऑफ एज। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको आइजैक न्यूटन का। तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको महात्मा गांधी का। और चौथा एग्जाम्पल देता हूँ आपको मार्टिन लूथर किंग या नेल्सन मंडेला का। ये सारे लोग उस समय फेमस हुए जिस समय कि ये अपने एडवांस एज में थे, जिस समय ये अपनी वृद्धावस्था में थे। वृद्धावस्था इट्स ओनली द स्टेट ऑफ माइंड ओनली, देर इज़ नथिंग टू डू विद द फिजिकल एज ऑफ अ पर्सन, द मेंटल एज इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। तो बहुत सारे लोग वो होते हैं, वो 17 साल की उम्र में 70 साल जैसे बूढ़े बूढ़ों जैसा बिहेव करते हैं, जबकि आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो वो 70 साल की उम्र में 17 साल के जो व्यक्ति होते हैं, ऊर्जा से भरे हुए, भरपूर आनंद से भरे हुए और ज़िंदगी का पूरा मजा उठाते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो यकीन मानिए, आप काम को मन लगा के, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ कंटिन्यूटी से करते रहिए। और ये जो इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपसे कही है कि अपना टाइम आएगा, तो बिलीव यू मी, आपका टाइम भी ज़रूर आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्वामी विवेकानंद, ही डाइड विद इन द एज ऑफ 48 ईयर्स। 48 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई, और जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, उसके पहले वो इतना कुछ कर गए जो कि आज भी हम उनको, उनके कहे हुए वचनों को, उनके कहे हुए वाक्यों को, उनके सिद्धांतों को, उनके द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ करके कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या कर रहे हैं, और यकीन मानिए आपका टाइम ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।